हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कांसेप्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम यहां लेकर के आ गए हैं फिर फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर 2 और वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें इसको क्या करेंगे, हम वन बाय वन करके अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वर्क क्या है। ठीक है, वर्क क्या है, कब वर्क होता है, वर्क के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, वर्क का SI CGS यूनिट क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से वर्क के टाइप्स हम पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है ना, एक प्रकार से। और उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जिसमें हम आपको पावर और एनर्जी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि वर्क क्या है। मान लीजिए कि ये दीवार है, अब दीवार पर क्या करते हो, फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो। आप क्या करो, सुबह से शाम तक इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाओ और आप देखोगे पूरा शाम तक आपके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप थक जाओगे, हार जाओगे, ठीक है, बैठ जाओगे, लेकिन ये जो दीवार है अपने जगह से एक भी इंच मूव नहीं करेगा। मतलब ये कि आपने फोर्स लगाया, ठीक है, एनर्जी दी आपने, फिर भी कोई एक प्रकार से देखा जाए टेक्निकली तो आपने कोई वर्क नहीं किया। आपके हिसाब से लग रहा है कि आपने फोर्स लगाया, आपकी एनर्जी एक प्रकार से उसमें वेस्ट हुई है, तो आपने वर्क किया। लेकिन अगर टेक्निकली फिजिक्स के भाषा में अगर देखा जाए तो आपने कोई वर्क नहीं किया। तो बात यहां आ जाती है कि भाई हम कब कहेंगे कि वर्क होगा। फिजिक्स कह रहा है यहां पर कि वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन हमने सुबह से शाम तक इस दीवार को आगे बढ़ाने में अपना फोर्स, अपनी एनर्जी लगाया, फोर्स लगाया, फिर भी ये दीवार मूव नहीं किया। वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमने फोर्स लगाया। तो आप कहोगे कि कब वर्क डन, तब कहलाएगा, इस कंडीशन में क्या रहा। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लो। कहा जाता है कि कूली अपने सर पर क्या करेगा, अगर टोकरी रख करके एक प्लेन प्लेटफॉर्म पर चलता है, कुछ दूर तक वो लेकर के जाएगा प्लेटफॉर्म पर, तो आपके हिसाब से उसने वर्क डन किया है और आप उसको पैसे देते हो। उसने वर्क किया और आपने उसको पैसे दे दिए। मतलब ये कि आपके हिसाब से वर्क किया, लेकिन आप फिर उसी चीज को फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो उसने वर्क नहीं किया। तो बात यहां गड़बड़ हो जाती है कि भाई हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है और कब कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको देख के बताओ कि हाँ वर्क हुआ है, वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फिजिक्स ये कहता है कि जब कभी भी आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि वर्क हुआ है। अगर आप फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही अपने जगह से, इसका मतलब कि आपने वर्क नहीं किया। यानी यदि आपको वर्क करना है तो सबसे पहले आपके लिए एक फोर्स होना चाहिए, कुछ इस तरीके से कि फोर्स लगाओ तो बॉडी कुछ डिस्प्लेस हो। अगर वो डिस्प्लेस नहीं होती है तो इस कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा। अगर ये दोनों हो जाता है तो इसका मतलब कि ये भी हो जाएगा। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क। यानी हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्क को अफेक्ट करेंगे, हमें पता लगाने में मदद करेंगे कि वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स। यानी देयर शुड बी अ बॉडी, there should be a body to apply force, ठीक है ना। एक बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे, पहले फोर्स अप्लाई करे। अगर वो बॉडी होगी नहीं फोर्स लगाने के लिए तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, the force must produce displacement in the body, ठीक है ना, on which it is applied। क्या करेगा, फोर्स को चाहिए कि वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे, ठीक है ना, उस बॉडी के लिए जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस नहीं की, तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिक अगर देखा जाए बेसिकली, तो आपके पास जो फैक्टर्स है जो वर्क को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं दो फैक्टर्स, पहला फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि ठीक है, इसका मतलब कि वर्क तब होगा जब हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्प्लेस करें। और तीसरा जो होना चाहिए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या हम लिख सकते इस तरीके से कि द फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन ए बॉडी
इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, तो इसके लिए अलग फैक्टर नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इन इट्स डायरेक्शन, इन इट्स डायरेक्शन, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये दो फैक्टर्स रहेंगे, इसके ज्यादा होंगे तो दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। वैसे होता नहीं है, दो मेन फैक्टर्स यही होते हैं। अगर इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कि वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं कि वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के? क्योंकि मान लो भाई कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स F लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर गई, ठीक है, पॉइंट बी तक मूव कर गई। आपने फोर्स जब F लगाया तो ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर गई। चलो मान लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, यस। यानी जब आप इसके ऊपर फोर्स बढ़ाओगे तो ये बॉडी और ज्यादा डिस्प्लेस होगी, और बॉडी जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगी उतना ज्यादा वर्क डन होगा, यानी जो वर्क डन है, यानी जो वर्क है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप फोर्स को बढ़ाओगे वर्क डन बढ़ेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के। यानी अगर आपने फोर्स लगाया वो बॉडी जितना ज्यादा दूर जाएगी उतना ज्यादा वर्क होगा, बस वह है। तो इस कंडीशन लिख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो लिखेंगे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यस माना हमने, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन का मैं हटा दूं अगर, तो मैं लिखूंगा के इनटू एफ डॉट एस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू के इनटू एफ डॉट एस, ठीक है। ये क्या क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके जब इक्वल टू साइन लगाते हैं तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करते हैं। और इससे पहले वीडियो मैंने बताया है कि क्यों जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और तो क्यों कांस्टेंट लगाते हैं, इसका रीजन भी मैंने दिया है उसमें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इसके बाद से यहां पर अगर मैं क्या करूं, मान लू कि फोर्स एक न्यूटन का क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट एक मीटर प्रोड्यूस कर देता है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वन जूल होगा, बस मैं है। तो अगर ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू के इंटू वन इंटू, ठीक है ना, वन डॉट वन, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक प्रकार से तो वन इज इक्वल टू के हो जाएगा, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ये वैल्यू ले आकर के यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एफ डॉट एस। यानी वर्क का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, ये सेकेंड इक्वेशन, हम कहेंगे कि दिस is the expression for work done। ये क्या है, W is equal to F into S, क्या हो जाएगा हमारे लिए एक expression हो जाएगा जिससे कि हम work आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहली बात ये समझ में आ गया कि work के expression को कैसे derive करेंगे वो समझ में आ गया, और यहां से जो दो factor है इन दो factor से इसकी definition को लिखा जा सकता है, किसके, work को define किया जा सकता है। कैसे define किया जा सकता है, तो देखो पहले लिखा गया है कि एक फोर्स होना चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे, ठीक है। द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट इन ए बॉडी इन इट्स डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, ठीक है। यहां से इसका मतलब हम वर्क का डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन इन इट्स डायरेक्शन, है ना। व्हेन वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन, इन इट्स ओन डायरेक्शन, बस सुना रहा है। तो ये वर्क का डिफिनेशन हो जाएगा, क्या डिफिनेशन बन के आया, अभी जो फिलहाल हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हमारे लिए तो वर्क का डिफिनेशन यही बन रहा है कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। और वर्क कितना हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस,
ठीक है। तो यहां पर हमको समझ में आ गया कि वर्क क्या है, उसका फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहां तो बात हो गई कि आपने फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में ये बॉडी डिस्प्लेस कर गई, तो आपने कह दिया कि यहां पर वर्क डन हुआ। लेकिन क्या होगा यदि ये फोर्स जो हमने लगाया है यहां पर, अगर इस फोर्स को हम इस तरीके से लगाएं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ एंगल पर लगाएं, तब क्या होगा, तब कैसे वर्क डन होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बताइए। ठीक है भाई, फोर्स अलग अलग तरीके से लग सकता है। एक होगा कि फोर्स आप लगाओ हॉरिजॉन्टली लगे और बॉडी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर जाए, काम खत्म। लेकिन दूसरा यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि फोर्स आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पर लगा दिया, तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए अब मान लो यहां पर थोड़ी देख ले कि हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहां था, इसके ऊपर फोर्स हॉरिजॉन्टल ना लगा करके कुछ एंगल पर लगा दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा डिग्री पर लगा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो फोर्स लगा है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, ये जो फोर्स कुछ थीटा एंगल पर लगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, यह फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या क्या मतलब होता है, तब आपको वो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, आप क्या करते हो, ठीक है ना, इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर जब आप ये फोर्स लगाते हो, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मान लीजिए कि आपने यह फोर्स थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से लगाया, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होते हैं इसका दो कंपोनेंट हो जाता है। इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है और एक होता है जिसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा यफ कॉस थीटा और ये निकल के आएगा यफ साइन थीटा। अब आप पूछेंगे कि कैसे आया, तो चलो मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले समझो कि ये क्या है, यफ है हमारे लिए, ये क्या है, ये फोर्स यफ है। अब क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह ड्रॉ कर दो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मान लो कि इस फोर्स का F1 कंपोनेंट, मान लो इस फोर्स का F1 कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है और इसका F2 कंपोनेंट है ना, F2 कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, ये F1 कंपोनेंट पता करना है। तो इसके लिए आप चलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, उसमें देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां ले लिया मैंने कॉस थीटा और बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 / F। F को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा इज इक्वल टू F1, यानी देख लो F1, इस F1 का वैल्यू कितना आ रहा है, F cos थीटा, इसका मतलब कि इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, F cos थीटा होगा। उसी तरीके से अगर वर्टिकल कंपोनेंट पता लगाना है तो देखो भाई जो फोर्स इसके अलोंग एक्ट करेगा ना, वही फोर्स यहां भी आपको देखने को मिलेगा, इसके अलोंग वही फोर्स सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। तो इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा वही इसके अलोंग भी एक्ट करता है, ठीक है। आप आगे जाकर के कंसेप्ट पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है ना। अभी आपको बस ये समझना है कि जो फोर्स इसके अलोंग एक्ट करेगा वही फोर्स इसके अलोंग भी एक्ट करेगा, ठीक है, वेक्टर में ये चीज पढ़ोगे। चलो तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, F2 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो मैं कह रहा हूं इसके लिए थोड़ी देर के लिए साइन थीटा लो। साइन थीटा क्या होता है, हाइट बाई हाइपोटेनियस, क्या होता है, हाइट बाई हाइपोटेनियस, बस मैं रख। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट कितना है, F2, ये F2 है ना, तो ये F2 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का अगर हाइट से मान लिया जाए इस तरीके से, तो ये F2 है तो ये भी F2 हो जाएगा, F2 बाई, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, F, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइट हो गया, F को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा F साइन थीटा इज इक्वल टू F2। तो यहां से निकल के आता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, F साइन थीटा। तो याद रखना जब भी कभी भी फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो उसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है F cos थीटा के बराबर, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है F sin थीटा के बराबर,
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स आपने लगाया है, इस फोर्स के डायरेक्शन में ये बॉडी तो मूव नहीं करने वाली है भाई। आपने फोर्स किधर लगाया, इस डायरेक्शन में, तो क्या बॉडी इस डायरेक्शन मूव करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि एक खिलौना है, एक बच्चे को क्या कर दिया जाए, धागे से बांध के दे दिया जाए, तो बच्चा क्या करेगा, यहां से पकड़ के इसको धागे को, इस गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो फोर्स किसके अलोंग लगाता है, इसके अलोंग फोर्स लगाता है, लेकिन ये मूव किधर करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब फोर्स हमने इधर लगाया लेकिन मूव ये इधर किया। ऐसा क्यों होता है, क्यों आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्यों मूव करेगी? भाई फोर्स तो आपने इस डायरेक्शन में इधर नहीं मूव करती है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका कंसेप्ट यही है कि जो आप फोर्स लगाते हो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, और जो भी कंपोनेंट ज्यादा होता है उसके अलोंग मूवमेंट हो जाता है, उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आपने फोर्स लगाया इसके अलोंग, लेकिन ये कंपोनेंट के अलोंग जो फोर्स है वो ज्यादा होता है, इसी वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। बस वेरा ना, चलिए तो यहां से हम ऑर्डर निकालेंगे। इसका मतलब कि ये फोर्स हमारे लिए नहीं काम करने वाली, ये भी फोर्स नहीं काम करने वाला, सिर्फ यही फोर्स यानी इस फोर्स का जो कंपोनेंट है इसी के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो फिर कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे उसको मैं समझाता हूं, ठीक है ना। अभी रेजोल्यूशन समझ में आ गया कि कोई भी फोर्स जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ एंगल पर, थीटा एंगल पर एक्ट करने लगता है तो उसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे और दूसरे को वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो ये कहा जाता है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो भाई फोर्स का ये कंपोनेंट अगर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है तो यहां पर जो वर्क निकल के आएगा वो कितना होगा, वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा। भाई ये फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ये भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है लेकिन इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसके कंपोनेंट जो कि ये है इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स कौन सा रहेगा, एफ कॉस थीटा, यहां लिख दे एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ डॉट एस कॉस थीटा होगा। मतलब कि जो हम फोर्स रियली लगा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि उसी फोर्स के द्वारा हर बार वर्क हो, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया है ये जरूरी नहीं है कि उसी के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट होगी। देखो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो इसके कंपोनेंट के डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब कि जो इस फोर्स का कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए। मतलब जो पिछले वाले केस में हमने डिफिनेशन यहां लिखा था कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन, इसका मतलब वो डिफिनेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बार फोर्स अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, कभी कभी उस फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसका मतलब कि उस वर्क के डिफिनेशन को हमें सुधारने की आवश्यकता है। अब उसको कैसे सुधारेंगे, जब देखो वर्क के डिफिनेशन को मतलब फिर से सही करना पड़ेगा, तो हम डिफाइन करेंगे वर्क को फिर से, ठीक है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि हर बार ये फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक्चुअल फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसके कंपोनेंट के डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे यहां पर कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस, व्हेन ए फोर्स और इट्स कंपोनेंट, या तो फोर्स या उसका कंपोनेंट, ठीक है ना। तो वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स और इट्स कंपोनेंट फोर्स और इट्स कंपोनेंट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन। समझ आ गया, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स और इट्स कंपोनेंट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब फोर्स या उसका कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे वो अपने डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो अब इस कंडीशन में जो हमने डिफिनेशन लिखा ये जाकर के सही हो गया,
ठीक है। तो याद रखना कि जो पिछला डिफिनेशन था वो उसमें कुछ फॉल्ट थे, उसको इस बार में हमने देख करके सही कर दिया। अभी जो डिफिनेशन है वर्ड का, ये 100% एक प्रकार से सही हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब 100 का मतलब ये नहीं कि 100% है ना, 99% वही मतलब है। चलिए, तो ये हो गया। अब यहां पर हमको समझ में आ गया कि वर्क क्या है, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि अगर वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे यानी मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए ठीक है ना, हमें कुछ यूनिट होना चाहिए, हमें कुछ यूनिट चाहिए। भाई अगर आप दुकान पर जाओ, कहो कि हमें चीनी चाहिए, तो कितना चाहिए आपको बताना पड़ेगा, उसकी यूनिट के टर्म बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे 5 लीटर पानी दे दो, मुझे 5 लीटर शुगर चाहिए, मुझे 5 किलोमीटर शुगर चाहिए, ऐसा तो कहोगे नहीं। आप कहोगे 5 केजी शुगर दो, तब समझ में आएगा अच्छा 5 केजी शुगर का मतलब कितना बोल रहा है। आप कहोगे 5 लीटर शुगर दो, तो मतलब क्या होगा इसका, 5 किलोमीटर शुगर दो क्या मतलब है इसका। तो आपको अगर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए एक परफेक्ट यूनिट होनी चाहिए जिसमें आप उसको मेजर कर सको। उसी तरीके से अगर वर्क को मेजर करना है तो आपके लिए यूनिट होना चाहिए। तो वर्क के भी 2 यूनिट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास SI यूनिट और दूसरा होता है हमारे पास CGS यूनिट, ठीक है, CGS यूनिट। अब जो SI यूनिट होता है वो यहीं से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। और जो न्यूटन मीटर होता है उसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। समझ आ रहा है। उस तरीके से CGS टर्म में अगर देखें तो फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन, ठीक है। और सेकेंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, सेंटीमीटर। यानी डाइन सेंटीमीटर को हम लोग एक बार में एक टर्म में हम क्या बोलते हैं, अर्ग। बस में अर्ज या अर्ग बोला जाता है। तो याद रहे कि वर्क का SI यूनिट जो होता है वो होता है जूल, और जो CGS यूनिट होता है वो क्या होता है, अर्ग, ठीक है। चलो, ये हमने कहां से निकाला, यहीं से निकाला, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया कि SI और CGS यूनिट क्या होता है। अब क्या कर लेते हैं, जरा रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क। भाई फोर्स तो हम इससे पहले वाले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है ना, कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन बिटवीन ना SI एंड CGS यूनिट इज गिवन बाय, क्या गिवन है, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता है। ये हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, ये एक रिलेशन होता है SI यूनिट ऑफ फोर्स के, ठीक है ना, SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक, सुन आ रहा है। उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, यहां वर्क के SI और CGS यूनिट में हम रिलेशन बताने वाले हैं। तो रिलेशन को बताते हैं, देखिए आपने देखा कि SI यूनिट क्या होता है, वर्क का न्यूटन मीटर या कह लो जूल। उसी तरीके से इसका CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट हो जाता है हमारे पास डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, एक ही चीज है, बात समझ में ना। तो हम क्या करते हैं, चलो 1 न्यूटन मीटर ले लेते हैं, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, डाइन सेंटीमीटर में, डाइन सेंटीमीटर में। तो 1 न्यूटन को 1 जूल बोल देंगे, 1 जूल बराबर अर्ग में आ जाएगा। तो देखो 1 न्यूटन को क्या करेंगे हम लोग, अर्ग में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन जैसे हमने इसको लिखा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, 10^5 डाइन, ये चला गया न्यूटन अपने CGS स्टेट में चला गया, CGS फॉर्म में चला गया, तो मीटर को भी CGS में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता वो लिख देंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था वो लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 10^5 इंटू 100 डाइन सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10^7 डाइन सेंटीमीटर, बात समझ आ रहा है, ठीक है। यानी अब हम इस 1 न्यूटन मीटर के जगह पर लिख सकते हैं 1 जूल, यानी 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग, समझ आ रहा है, 10^7 अर्ग। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 अर्ग बराबर 10^-7 जूल, ठीक है ना, इस तरीके से।
तो आप इनमें से कोई भी रिलेशन बोल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द एसआई एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बोल सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, या आप बोल सकते हो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि वर्क का डेफिनेशन क्या होगा, वर्क निकालने का एक्चुअल जो हमारे पास डेरिवेशन होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट cos f dot s cos theta, ठीक है ना। यही सब पुराना वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टली आपने यह फोर्स लगाया और ये यस डिस्टेंस कवर करती है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए, फोर्स लगाया f, डिस्प्लेसमेंट हुआ यस, और cos थीटा अगर देखूं तो थीटा मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पर क्या करो, आप जीरो रख लो, और आप जानते हो कि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो इसकी वैल्यू यहां वन रखोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस, ठीक है, एफ डॉट एस। तो ये समझ में आ गया कि वर्क देखिए पुराना वाला है, ठीक है ना, यानी जब हॉरिजॉन्टली फोर्स लगने लगेगा और इसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आप सिंपल यूज कर सकते हो फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इनटू S। लेकिन जैसे ही ये फोर्स कुछ एंगल पर एक्ट करने लगेगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है ना। चले तो ये समझना, अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फोर्सेस वर्क के बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं। यानी ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ये बहुत सारे तरीके से एक्ट कर सकता है एक बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो। तो मान लीजिए कि आपने फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। नहीं सुना क्या, देखो सुनो, फिर से सुनो। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स लगाया यफ, और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया, ठीक है, ये ए से बी तक इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा उसी डायरेक्शन बॉडी डिस्प्लेस कर गई, तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा, ठीक है, उसको हम लोग केस वन मान लेते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क यानी पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए कुछ इस तरीके से कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है ना, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो देखो लगाओ लिखो यार, ठीक है, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। हरदम याद रखना। जैसे एक एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो कि एक टावर है, ठीक है, यच हाइट की, इसके ऊपर से यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, सिंपली ऐसे छोड़ा जा रहा है, तो ये बॉल क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा, ठीक है, यच हाइट तक गिर के आएगा। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, आप जानते हो यहां पर जो फोर्स एक्ट करने वाला है वो फोर्स है उसका वेट, जो कि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम इनटू जी। यानी जब किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है उससे बॉडी के ऊपर लगने वाला वेट, जो कि निकाला जाता है मास इनटू ग्रेविटी से, ठीक है। तो फोर्स ये एक्ट कर रहा है जिसके वजह से ये एच हाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और या एफ डॉट कॉस थीटा। तो यहां पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू बोले तो एम इंटू जी, और यस डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, यच इनटू कॉस जीरो डिग्री। क्यों कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। तो ये जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा एम जी एच। यानी जब वर्क डन हमें निकालना हो किसी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये भी एक फॉर्मूला है वर्क निकालने के लिए जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही होती है। तो इसका मतलब कि जो पॉजिटिव वर्क डन होगा वो होगा उस बॉडी के द्वारा जो फ्रीली फॉल हो रही है, ठीक है। इस तरीके से और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस जिसमें हमने देखा पॉजिटिव वर्क डन कब होगा। दूसरा केस ले लेते हैं जहां पर वर्क डन जो होगा वो होगा निगेटिव वर्क डन।
या निगेटिव वर्क सिंपली। निगेटिव वर्क कब होगा तो देख लो भाई, वो भी देख लो, यानी वर्क भी निगेटिव हो सकता है। अब वो वर्क डन निगेटिव कैसे होगा वो मैं बता देता हूं। देखो जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, आपने इस बॉडी के ऊपर इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन ये बॉडी अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो कितना होने वाला है 180 डिग्री। ध्यान देना, ये बॉल है, इस पॉइंट पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इस कंडीशन में इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री का। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो भाई चलो, एक बॉल जो ग्राउंड पर रोल कर रहा है, एक बॉल जो ग्राउंड पर रोल कर रहा है, आपने एक बार उसको ना किक करके छोड़ दिया तो बॉल क्या होगा ग्राउंड पर रोल करना स्टार्ट कर देगा। जब रोल कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। चलो मैं इसके डायरेक्शन को थोड़ा बदल देता हूं, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो उसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा लेकिन बॉल आगे की तरफ जा रही होगी। बॉल का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा लेकिन उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ होगा। तो आप ध्यान दो, इस बॉल के ऊपर लग फोर्स किधर रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन बॉल जा किधर रही है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से मान लो कि आपने क्या किया, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया। जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो ये बॉल, जब आपके हाथ से ये बॉल छूट जाएगी तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन मान लो कि ये बॉल यहां पहुंचा तो जब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, इस बॉल के ऊपर नीचे की तरफ इसका वेट जो कि मास इनटू जी से निकलेगा, ठीक है ना, उसके फोर्स में ये रहेगा, यानी फोर्स इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। इनिशियली हमने फोर्स लगा के एक बार छोड़ दिया लेकिन हम अब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है और वो फोर्स है उसका ग्रेविटी फोर्स यानी W, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो यदि आप वर्क निकालोगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखोगे 180 डिग्री। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉस 180 डिग्री जो होता है वो होता है माइनस 1, यानी जो वर्क निकल के आएगा वो हो जाएगा एफ डॉट एस इंटू माइनस 1, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट एस, क्या जाएगा माइनस एफ डॉट एस। तो ये याद रखना कि जो वर्क होगा वो निगेटिव हो जाएगा, देख रहे हो नेगेटिव साइन आ गया, यानी जो वर्क होने वाला है वो क्या होने वाला है नेगेटिव होने वाला है। और नेगेटिव वर्क कब होता है, जब आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगाओ और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या है नेगेटिव है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया कि कब नेगेटिव वर्क डन होगा कब पॉजिटिव वर्क डन होगा। इस तरीके से एक और केस ले लेते हैं यहां पर, चलो मैं एक केस यहां बना लेता हूं आपके लिए जो कि हो जाएगा थर्ड केस, और यहां पर क्या होने वाला है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन या जीरो वर्क, ठीक है सिंपली जीरो। भाई वर्क नेगेटिव हो सकता है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब अभी हमने दिखाया कि आपने सुबह से शाम तक क्या किया, आपने दीवार पर फोर्स लगाया, थक गए हार गए शाम तक, लेकिन ये दीवार अपनी जगह से मूव नहीं किया, आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा, तो वो एक कंडीशन यहां पर है, ठीक है। एक तो वो कंडीशन हो गया, दूसरा एक और कंडीशन है कि मान लीजिए कि आप क्या करते हो, जैसे मैंने अभी कुली वाला एग्जांपल लिया, ये कुली क्या करता है, ठीक है अपने सिर पर, ठीक है अपने सिर पर एक बॉक्स को लेकर के इस तरीके से जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसके ऊपर क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स W एक्ट करेगा, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन चूंकि आप या कुली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कह लो या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रहा होता है तो डिस्प्लेसमेंट उस बॉक्स का इस डायरेक्शन में होता है, कुछ इस तरीके से कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ना भाई, बॉक्स उस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन इसके ऊपर लग रहा है एक फोर्स ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। और यदि हम फोर्स को यहां कैलकुलेट कर, सॉरी वर्क डन को यदि कैलकुलेट कर लें तो क्या होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री। और आप क्या जानते हो कि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डॉट एस है ना इंटू जीरो एंड जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो जीरो। समझ आ रहा है, यानी जब आप
फोर्स लगाओ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो भी वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एफ जीरो होगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कि मान लो कि आप क्या करते हो, या एक कुली जिस तरीके से यहां पर क्या कर, अपने सिर पर एक बॉक्स को रख करके हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहा है, प्लेन प्लेटफॉर्म पर, तो उसके उस बॉक्स के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटी है, नीचे की तरफ उसको खींच रही है, लेकिन डिस्प्लेस वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हो रहा है। कुछ इस तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, जब हम इसको रख करके कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन क्या आता है, जीरो। तो ये दो कंडीशन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस है जिसमें क्या होते हैं, वर्क डन जीरो हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना, हर कंडीशन में आपको दो दो एग्जाम्पल याद रखना है कम से कम, ठीक है ना। तो ये वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो ये आप एक प्रकार से कह सकते हो कि वर्क के टाइप्स थे, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, ठीक है ना। ये तीन टाइप्स हो गए। तो यहां पर हमने एक प्रकार से वर्क के बारे में जो आपको जानकारी चाहिए क्लास 10th लेवल तक, मैंने आपको यहां जानकारी दे दिया है कि वर्क क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका SI CGS यूनिट क्या होता है, वर्क के एक प्रकार से टाइप्स क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि पावर और एनर्जी क्या है और वो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।